स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है कि आपसे कहा गया कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। इन्होंने जेड को पार्टनर बनाया लेकिन जेड का हिस्सा नहीं बता रखा कि जेड कितने हिस्से के लिए आया है। ये जरूर बता रखा है कि वो अपने शेयर का 1/4 एक्स से ले रहा है, 1/4 ऑफ जेड शेयर वो एक्स से ले रहा है। और ये भी बता रखा है कि वो 3/16 शेयर वाई से ले रहा है। वाई से एग्जैक्टली वो कितना ले रहा है ये बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसी लाइन का मैंने लॉजिक यूज़ किया है कि अगर Z के शेयर का 1/4 वो X से ले रहा है, Z यानी अपने शेयर का, तो अंडरस्टूड है कि वो 3/4 ऑफ अपना शेयर Y से ले रहा होगा, जो कि हमें पता है कितना है 3/16। यहीं से Z का शेयर आ जाएगा 3/16 इंटू 4/3 कर दीजिए, ये वहाँ जाके रिवर्स हो जाएगा, दैट्स वाई, यानी Z का शेयर 1/4 है। इसका मतलब एक्स से कितना ले रहा है हम बता सकते हैं, 1/4 × 1/4, 1/16। क्लियर बच्चों? तो जेड एक्स से कितना ले रहा है अब हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें जेड का शेयर पता है, और वाई से तो पता ही है, वो 3/16 ले रहा है। तो आप सेकंड वाइजिंग रेशियो देख सकते हैं, 1/16 और 3/16, तो सेकंड वाइजिंग रेशियो तो आ गया बच्चों 1:3। रही बात नए शेयर की, तो एक्स का नया शेयर आ जाएगा 3/5 माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया, कितना किया उसने सेक्रीफाइस, 1/16, तो ये आ जाएगा 43/80। वाई का नया शेयर देखना है तो 2/5 माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया 3/16, ये आ जाएगा 17/80। रही बात जेड के शेयर की, जो हमें पता है 1/4 है, जिसे हम लिख सकते हैं 20/80। तो आप खुद देख लीजिए, नया रेशियो आ गया 43:17:20। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा।